हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को मेंटेन रखने और ट्रेड एक्सेट्रा की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए अक्सर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरी कंट्रीज को विजिट करते रहते हैं। और इतना तो हम सब समझते ही हैं कि जब भी किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया विजिट करता है या फिर इंडिया का कोई बड़ा लीडर किसी कंट्री को विजिट करता है तो उसमें काफी अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक विजिट में एग्जैक्टली कितना खर्च आता होगा? आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको याद है 2020 में एक बार अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे। 24 अक्टूबर 2020 को मिशेल भरा ने एक RTA फाइल की जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि आखिर इस विजिट में कितने पैसे खर्च हुए थे, जिसका पहले तो गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कमीशन को एक अपील की जिसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जवाब दिया और 4 अगस्त 2022 को पूरी डिटेल्स कमीशन को सबमिट की। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने पहले जवाब क्यों नहीं दिया। इस पर उनका कहना है कि इसके पीछे का रीजन COVID-19 था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सबमिशन के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप के इन 36 घंटों के विजिट में गवर्नमेंट के करीब 38 लाख रुपए खर्च हो गए। EAM ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बताया है कि ये पैसे उनके अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक्स और मील्स एक्सेट्रा पर खर्च कर दिए गए थे। अब किसी भी दूसरे नॉर्मल इंसान की तरह आप सोच रहे होंगे क्योंकि विजिट के दौरान ऐसा क्या था जो इतने सारे पैसे खर्च कर दिए गए। तो बता दें कि अपने इंडिया विजिट के दौरान ट्रंप ने अपनी पत्नी मिलेनिया, बेटी इवांका और सन इन लॉ जेयर्ड कुशनर के साथ 24 और 25 फरवरी को अहमदाबाद, आगरा और नई दिल्ली को विजिट किया। इस विजिट के दौरान उनके साथ कई टॉप ऑफिशियल्स भी थे। अहमदाबाद में उन्होंने एक 3 घंटे का रोड शो भी अटेंड किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम पर एक मेगा गैदरिंग को एड्रेस भी किया था जिसे नमस्ते ट्रंप कहा गया था। और उसी दिन बाद में फिर ट्रंप आगरा भी गए जहां उन्होंने ताजमहल देखा। फिर 25 फरवरी को नई दिल्ली में उन्होंने नरेंद्र मोदी से बायलेटरल डिस्कशंस किए। हालांकि अब तक ये सामने नहीं आया है कि मिशेल भतीना उन डिटेल्स का क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन डिटेल्स का यूज क्या हो सकता है और क्या किसी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव पर इतना खर्च करना सही है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।